तो खैर सबसे पहले बात करेंगे यार पाकिस्तान और कनाडा का जो मैच था। पाकिस्तान जो है वो आज का मैच जो है वो जीत चुका है और फाइनली पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप में पहली जीत जो है वो हासिल हो गई है। और पाकिस्तान टीम जो है वो अभी जो है वो पाकिस्तान टीम की होप्स जो है वो अभी मतलब पाकिस्तान टीम के लिए जो अभी जिंदा है, पाकिस्तान टीम की उम्मीदें जो है वो अभी जिंदा है कि पाकिस्तान टीम जो है वो आगे सुपर एट में जा सकता है। तो उसके लिए जो अभी भी पाकिस्तान अगर मगर की सिचुएशन में फंसा रहेगा आगे, अगर अगर जो है वो USA अगले दोनों मैचेस हारती है और पाकिस्तान जो अपना मैच अगला भी जीतती है आयरलैंड के साथ, उसके बाद में अगर हमारा नेट रन रेट जो है वो USA से जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा तो हम सुपर एट में जाएंगे। ये जो है वो सारी सिचुएशन है। और आज के मैच की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने आज भी बहुत पाकिस्तानी बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। वैसे तो पिच ही थोड़ी सी ऐसे भी है जहाँ पर लो जो स्कोर जो है वो हो रहा है, और लेकिन फिर भी बॉलर को क्रेडिट भी बनता है क्योंकि पाकिस्तान के जो बॉलर हैं उन्होंने फास्ट बॉलर खासतौर पर मोहम्मद आमिर ने आज जो मैन ऑफ द मैच खेला, उन्होंने भी आज जो है वो उन्होंने दो आउट फिर से किए, और उसके अलावा जो है वो हारिस रऊफ ने दो आउट किए और नसीम ने भी एक आउट किया, एक रन आउट हुआ, ऐसे करके जो पाकिस्तान ने भी 6 या 7 आउट कर दिया। काफ़ी अच्छा जो है वो पाकिस्तान टीम के जो बॉलर जो है उनकी परफॉर्मेंस जा रही है अभी तक की वहाँ पे। और बैटिंग में जो है वो अब पाकिस्तान जो है वो आज 7 विकेट से जो है वो जीत चुका है, 3 विकेट गिर गई थी हमारी और पाकिस्तान जो आज का मैच जीत चुका है। और जो है वो पाकिस्तान का अगला मैच जो आयरलैंड के साथ होगा तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अगला मैच अच्छे नेट रन रेट से जीतेगा, और जिसके बाद में जो वो अगले मैच USA के जो वो हारना लाजमी है कि USA जो वो अगले दोनों मैच जो वो हारे और पाकिस्तान अगला मैच जीते तो फिर जो पाकिस्तान के चांसेस होंगे। देखते हैं अभी क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।